दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरिचरण और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अहमदपुर रोपणी। दोस्तों यह रोपणी जो है भोपाल शहर के बीचों बीच नर्मदापुरम रोड पर स्थित है और मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग की यह रोपणी है। बहुत ही शानदार रोपणी है। इसके कई तथ्यों से आज हम आपको अवगत कराएंगे, तो हम आपको लेकर चलते हैं रोपणी के अंदर और दिखाएंगे यहाँ पर स्थित अलग अलग शिशु पौधे, उनकी देखभाल की विधि, देखभाल करने वाले लोग, संरक्षण का तरीका और रोपणी का मध्य प्रदेश वन विभाग और मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया कवर करने के लिए योगदान का तरीका। ये रोपणी के अंदर एक कुआ है जिसमें लबालब पानी है और इसी पानी से रोपणी में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन पौधों की सिंचाई का काम किया जाता है। यहाँ ट्यूबवेल भी हैं जिन्हें बोर भी कहते हैं, उनकी भी मदद ली जाती है। रोपणी के अंदर आप देख रहे हैं पॉली हाउस, ये यहाँ पर इस तरह के अलग अलग पॉली हाउस बने हुए हैं जो वाइट कलर के नेट के अंदर हैं। इनमें इन पॉली हाउस में क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के पॉली हाउस में पौधों को प्राकृतिक आपदा, धुंध, ओलावृष्टि, अधिक तापमान आदि से सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही कीट पतंगों और रोगों की सुरक्षा भी ये पॉली हाउस करते हैं, इसलिए अलग अलग पॉली हाउस पे अलग अलग प्रजाति किस्म के शिशु पौधों को रखा गया है। एक पॉली हाउस में इस दरवाजे से आप अंदर का नज़ारा देख रहे होंगे। अंदर काले ब्लैक कलर की पॉलीथीन है जिसमें कुछ पौधों के बीज उगाए जा रहे हैं। उन पॉलीथीन के ऊपर बीज की सिंचाई के लिए छोटे छोटे स्प्रिंकलर है, आप देख रहे होंगे, और नज़दीक से आपको दिखा दें तो वो पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। दोस्तों अहमदपुर रोपणी में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण भी किया गया है। यहाँ छोटे छोटे और कम दूरी पर पौधों को का रोपण किया गया था वर्ष 2019-20 में, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए कितने कम दूरी पर पौधों को लगाया गया है और ये इन पौधों की ऊंचाई देखिए, इन पौधों की ऊंचाई कितने बड़े ये पौधे हो चुके हैं। इनमें आम, जामुन, आंवला, नीम, हर्रा, बेहड़ा, शीशम, इस तरह के पौधे हैं, गूगल, इस तरह के पौधे हैं, मीठी नीम। देखिए छोटा सा एरिया है और इस उस एरिया की उस तरफ देखिए एक नाला है और इधर इस तरफ ये देखिए, ये छोटा सा एक एरिया है, इसमें इतने बड़े पौधे हो चुके हैं। ये 2019-20 में ये पौधे लगाए थे। तो मियावाकी पद्धति, जैसे कि वाल्मीकि ने इसे डेवलप किया था, इसमें थोड़ा संशोधन भी किया था और वाल्मीकि पद्धति विकसित की थी। मियावाकी पद्धति तो बहुत पुरानी है जिसमें कम जगह में अधिक पौधे तैयार किए जाते हैं। अहमदपुर रोपणी का ये एक हिस्सा है जिसमें बांस के शिशु पौधे तैयार किए जा रहे हैं, थोक में ये पौधे तैयार किए गए हैं। अभी इनकी बिक्री हुई नहीं है लेकिन ये बिक्री के लिए तैयार है। जब इनकी ज़रूरत जिस भी वन क्षेत्र में होती है वो यहीं से सप्लाई किए जाते हैं। अहमदपुर रोपणी में आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा पैनल, ये पैनल प्रकाश से बिजली पैदा करते हैं और इस बिजली से इस रोपणी के पौधों की सिंचाई होती है। यह एक यूनिट है सौर ऊर्जा की, आगे एक यूनिट और है। अधिकारियों का कहना है कि इस यूनिट से पूरे रोपणी में पौधों की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली बनती है और उसकी पूर्ति भी होती है, ये आप देख रहे हैं। रोपणी के बीच से एक नाला भी गुजरता है। फिलहाल ये नाला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सूखा है, लेकिन
बारिश के दिनों में इसमें फुल पानी, फुल लेवल पर पानी बहता है। तो इस नाले पर जगह जगह, चूँकि दोनों ही हिस्से में नाले के दोनों ओर रोपनी का हिस्सा है, तो यहाँ पर उस नाले पे छोटे छोटे जो है जिसको कहेंगे लोहे के पुल बना दिए हैं ताकि आने जाने में आसानी हो। और आप यहाँ इस तरह का पुल भी देखेंगे, जैसे ये देखिए बांस किस तरह से काम आता है, तो बांस इस तरह से, इस बांस की मदद से भी यहाँ पर इस नाले पर पुल बना रखा है, जिसके ऊपर से रोपनी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर जाया जाता है। स्क्रीन पर आप एक शेड देख रहे हैं और शेड के नीचे ये अलग अलग क्यारी बनी है। ये क्यारी असल में जैविक खाद तैयार करने की क्यारी हैं, जिनमें अलग 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 जो है, जैसे पत्ते हैं, गोबर है, मिट्टी है, और कई पौधों के छोटे डंठल हैं, उनकी मदद से यहाँ पर जैविक खाद, गोबर खाद, गोबर के मिक्स के मिश्रण से जैविक खाद तैयार की जा रही है। ये 8 से 10 जो है क्यारियाँ हैं, जिसमें सभी में ये आप देख रहे होंगे, बहुत नज़दीक से देखें तो ये खाद इसमें तैयार हो रही है। और इस खाद का उपयोग फिर इस तरह के जो सामने आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये जैसे जामुन के पौधे भी तैयार हो रहे हैं, शिशु पौधे हैं, तो इस तरह की जो काली पन्नियां हैं, इस पन्नियों में जो मिट्टी डाली जाती है उसमें इस खाद का मिश्रण होता है, ताकि पौधों की ग्रोथ निर्धारित समय पर अच्छी होती रहे। ये खाद बड़ी उपयोगी है, और इस पूरी रोपनी में जैविक खाद, गोबर खाद का ही उपयोग होता है, किसी तरह का फर्टिलाइज़र, केमिकल या उर्वरक जिसको हम कहते हैं, खाद, रासायनिक खाद जिसे हम कहते हैं, उस खाद का उपयोग वन विभाग नहीं करता। जैविक खाद की दम पर ये पूरी रोपनी हरी भरी होती है और ये पौधे तैयार होते हैं। रोपनी में अलग अलग प्रजातियों के पौधे तैयार किए जाते हैं। आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं शीशम लिखा हुआ है, और उसके नीचे आप देखेंगे जो क्यारी है, यहाँ से ये क्यारी चालू होती है। इस पूरी क्यारी में शीशम के शिशु पौधे तैयार किए गए हैं, किए जा रहे हैं। जब भी इनकी डिमांड होगी, इन पौधों को यहीं से सप्लाई किया जाएगा। इस वीडियो में इसके पहले सौर पैनल की एक यूनिट हमने देखी थी, ये दूसरी यूनिट है जिसमें सौर पैनल लगे हुए हैं। ये प्लेटें सूर्य से प्रकाश लेती है और उसके बाद उससे बिजली पैदा करती है। बाजू में आप देखेंगे पौधों की अन्य श्रेणियां, जैसे नीम लगा हुआ है इस क्यारी में, उसमें भी नीम है, तो लगभग ये पूरी क्यारी जो है यहाँ पर नीम की है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे काली ब्लैक कलर की पॉलीथीन में जो है मिट्टियाँ भरी जा रही हैं। इन मिट्टियों में, इन पॉलीथीनों में बीज लगाए जाएंगे, बीज से पौधा होगा और पौधे से फिर पेड़ तैयार होंगे। तो यहाँ काली मिट्टी, गोबर की खाद, जैविक खाद और उसकी मदद से इस तरह से पॉलीथीन में मिट्टी का सम्मिश्रण खाद के साथ तैयार किया जा रहा है। उसमें बीज रोपित किया जाएगा और उस बीज से फिर पौधे तैयार होंगे। थोक में इस तरह से यहाँ पर मजदूर काम करते हुए और पॉलीथीन में मिट्टी भरते हुए इसके बाद बीज लगाने का चरण शुरू होगा। रोपनी के अंदर का ये सुंदर नज़ारा स्क्रीन पर अगर आप सामने देख रहे होंगे, तो रोपनी में कई तरह के पौधे हैं, स्प्रिंकलर से उनकी सिंचाई हो रही है ताकि पानी कम से कम यूज़ हो और पानी की बचत हो। और इस तरफ के नए पौधे हैं, इनमें अभी ये छोटे हैं, इनकी लेंथ कम है। बाकी स्क्रीन पर आप ये देख रहे होंगे, ये एक टंकी है, पानी की टंकी है, जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। और जब बिजली नहीं होती है या बिजली इन प्लेटों की मदद से नहीं बनती है, तो इस पानी से, पाइपलाइन की मदद से सिंचाई की जाती है, स्टोर किए गए पानी से उसकी सिंचाई की जाती है। सामने आप स्क्रीन पर ये बांस से तैयार, पूरी तरह बांस से तैयार हट आप देख रहे होंगे, एक झोपड़ी देख रहे होंगे। इस झोपड़ी का बड़ा ही शानदार
लुक आप देख रहे होंगे। इसमें यहाँ आने जाने वाले लोग आते हैं, चढ़ते हैं और रोपणी का नज़ारा इस हट से लेते हैं। रोपणी के अंदर का एक ये सेक्टर 2 है। इस सेक्टर में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्प्रिंकलर चल रहे हैं और उनकी उनसे निकलने वाले फव्वारों से पौधों की सिंचाई हो रही है। ये जैसे आप देखेंगे नज़दीक से भी अगर आपको हम दिखाएं तो आपको नज़र आएगा कि कई स्प्रिंकलर यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, चल रहे हैं अभी। ये सेक्टर 2 है रोपणी का, अहमदपुर रोपणी का, और इसमें किस तरह सिंचाई होती है। क्यारी के अंदर बिल्कुल पौधे रो से लगे हुए हैं और पाइपलाइन बिछी हुई है, उसके बाद इस तरह के ये स्प्रिंकलर है जो है काम कर रहे हैं। अलग से पौधे में पानी डालने की या फिर पाइपलाइन से जो सतह वाली सिंचाई करने की जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर पूरी रोपनी में इसी तरह से सिंचाई की जाती है, इससे पानी की बचत भी होती है और सिंचाई में मेन पावर की ज़रूरत भी कम होती है। तो ये एक अच्छा यहाँ पर तरीका है। शुरू से अधिकारियों का कहना है कि वो इसी तरीके से रोपनी में पौधों की सिंचाई करते हैं और जब जहाँ ज़रूरत होती है उस क्षेत्र में पाइपलाइन चालू कर दी जाती है और स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं, उससे सिंचाई स्वतः होती रहती है। रोपनी के अंदर स्क्रीन पर आप देख रहेंगे आंवला के पौधे लगाए थे, वो अब पेड़ का रूप ले चुके हैं। कतारबद्ध खड़े लगे हुए आंवले के पेड़ आप अभी देख रहे हैं, तने हम आपको अभी दिखा रहे हैं, लेकिन पास में जाके एक आंवले के ऊपर पेड़ पे लगे आंवले भी दिखाएंगे। ये देखिए कितने शानदार आंवले लगे हुए हैं, कितने आंवले लगे हुए हैं। पत्तियां नहीं हैं, पत्तियां झड़ चुकी पतझड़ में, लेकिन आंवले के ये पेड़ पर लगे आंवले बहुत बढ़िया आंवले। ये देखिए ये कई तरह की औषधियों में इनका उपयोग होता है। रोपणी में इन्हें एकत्रित करके इनका विक्रय किया जाता है। रोपणी के अंदर सबसे शानदार नज़ारा आप देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये देखिए ये नज़ारा, ये रोपणी के अंदर का नज़ारा है, अहमदपुर रोपणी के अंदर का। आपको हम इन पौधों की, इन नीलगिरी के इन पौधों की हाइट दिखाएंगे, देखते रहिए। ये देखिए कितनी हाइट पर ये पौधे जा चुके हैं, ये पहले कभी शिशु पौधे लगाए गए थे। ये देखिए ये कितने ऊंचे हो चुके हैं, बड़ा शानदार जंगल, बहुत ही मनमोहक। रोपनी का एक बड़ा दृश्य जिसमें छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे, शिशु से लेकर बड़े पौधे इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बहुत शानदार नज़ारा है ये रोपनी। यहाँ आ जाओ तो बाहर जाने का मन नहीं करता, लेकिन कई तरह की बंदिशें हैं रोपनी में, पेड़ न टूटे, पौधों को नुकसान न पहुंचे, ये बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी होती है। पत्तियों को पेड़ों को छूना सख्त मना है। पेड़ों का संरक्षण, पौधों का संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है, ये अहम काम है। अब आप एक और शेड देख रहे होंगे, ये वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने वाला शेड है। ये देखिए ये शेड, यहाँ भी अलग अलग क्यारियाँ बनी हैं और शेड के अंदर इन क्यारियों में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रही है। ये एक क्यारी है, इसमें आप देखेंगे गोबर खाद, मिट्टी और अन्य तरह के मिश्रण है, इसी से कंपोस्ट खाद तैयार होती है और इसका उपयोग जो है पौधों को, बीज से पौधों को तैयार करने में किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पत्तियां हैं बहुत तरह की, अलग अलग सूखी पत्तियाँ कई पेड़ों की, इनको इकट्ठा करके एकत्रित करके इस पूरे इसमें रखा है और ये अब ऐसा ही इसे रखा जाएगा लंबे समय तक। पानी थोड़ा इसमें डाला जाएगा और कुछ समय बाद, एक अवधि के बाद ये खाद में परिवर्तित हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पत्तियों
से भी खाद तैयार होती, पत्तियां व्यर्थ नहीं जाती। आमतौर पर हम, आप और कई लोग पतझड़ से एकत्रित होने वाली पत्तियों को आग लगा दिया जाता, आग लगाकर जला देते हैं। उससे क्या होता है कि पत्तियों का तो, पत्तियां तो जल ही जाती है, वातावरण में जो है वायु प्रदूषण भी फैलता है। लेकिन एक तरीका रोपणी में, यहाँ देखिए आप रोपणी में कि यहाँ किस तरह पत्तियों को इकट्ठा किया गया, अलग अलग देखिए पूरा कंपार्टमेंट बनाया गया, अस्थाई कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में पत्तियों को रख दिया गया है और ये पत्तियाँ आने वाले समय में खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। स्क्रीन पर आप बांस देख रहे हैं, बांस को किस तरह से एक शेप, एक आकार दिया गया है और उसमें खाद और मिट्टी भरी गई है और उसके बाद उसमें पौधे लगाए गए हैं, छोटे पौधे जैसे गवार पाठा जिसको बोलते हैं, पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है और भी कुछ पौधे उसमें लगे हुए हैं, ये देखिए। तो प्रकृति हमें कई स्वरूप में कई तरह की चीज़ें देती है, उनका उपयोग करते हुए बस आना चाहिए और प्रकृति के सानिध्य में या प्रकृति के नज़दीक रहने पर उससे एहसास होता है कि प्रकृति कितना हमारे लिए ज़रूरी है, कितनी चीज़ें हमें प्रकृति से मिल सकती है। ये उदाहरण स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भी देख रहे हैं, ये अहमदपुर रोपणी में ही स्थापित की गई है और इसका उपयोग मिट्टी परीक्षण में होगा। ये रोपणी के अंदर एक कक्ष है जिसमें रोपणी से जुड़े अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठते हैं। पौधा विक्रय केंद्र एवं आगंतुक कक्ष अहमदपुर रोपणी इस पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से पौधे, यहाँ संपर्क करके आप अपनी पसंद के पौधों का क्रय कर सकते हैं। रोपणी के अंदर मेन गेट से, मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के बाद एक ये पूरा एक क्षेत्र है यहाँ पर और इसी क्षेत्र में एक ये एक हट टाइप का है जिसमें आगंतुक जो है यहाँ पर कुछ समय तक आराम कर सकें, इसकी यहाँ पर व्यवस्था है। ये रोपणी के अंदर का दूसरा सेक्टर है जो नर्मदापुरम मुख्य मार्ग से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ पर छोटे और शिशु पौधे हैं, बीज के पौधे भी हैं और ये एक अलग कंपार्टमेंट है जिसमें अलग प्रजाति के पौधे हैं, औषधि पौधे। यहाँ पर कौन से अगर पौधे मिलते हैं औषधि पौधों में, तो स्क्रीन पर तो आप देख ही सकते हैं, वैसे हम आपको बता भी सकते हैं, अजवाइन, लाजवंती, अकरकरा, अश्वगंधा, गवार पाठा, काला धतूरा, गिलोय, पत्थर चट्टा, ब्रह्मी, सुदर्शन, लेंडी पीपर, भीमावासी, बड़ी कड़ी, कटेली, वन पठा, केवड़ा, गुड़मार, अनंतमूल, ये औषधि पौधे हैं। और अगर अपन आगे चलें तो अड़ूसा, दमवेल, निर्गुंडी, स्टीविया, चित्रक, अपराजिता, कालमेघ, भारंगी, कपूर कचरी, सतावर, विधारा, हड़जोड़, पुदीना, वाकुची, गूंजा, तुलसी, ये इस तरह के औषधि पौधे यहाँ पर मिलते हैं। और अगर औषधि पौधे 1-2 वाले जो अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर लिखा है गंध प्रसारणी, दिन का राजा, कटर सही रैया, सौंफ, तुलसी, रसना, शंख पुष्पी, सिकाकाई, कसौधी, हर सिंगार, भुई आंवला, खर रेडी, बरियार, जंगली लहसुन, सर्फगंधा, गंधी, जल जमनी, स्टीविया, मकोई, नागर मोथा, गुल वकावली, पूर्णवला, सोमवल्ली, भ्रंगराज, धवई, गुगल, इस तरह के ये पौधे यहाँ पर मिलते हैं। ये औषधि पौधे हैं, ये देखिए ये पौधे हैं और उनके सामने उन औषधि पौधों के
का उपयोग, मतलब वो किस तरह किस काम में उपयोग आते हैं, ये देखिए। आप देखेंगे तो आपको भी थोड़ा ठीक लगेगा। यही वन विभाग का भी उद्देश्य है कि इन पौधों का उपयोग भी आम जनता को पता होना चाहिए। इस चार्ट पे भी हम अगर आपको नज़दीक से ले जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो इतने पौधे हैं इनका उपयोग क्या होता है। ये देखिए, ये एक तालिका है और ये दूसरी तालिका है। ये देखिए, दो बोर्ड हैं यहाँ पर, औषधि वन औषधि टू। ये देखिए, औषधि वन औषधि टू, दोनों में जो पौधे लिखे हैं, एक में 32 लिखे हैं, दूसरे में 24 लिखे हैं। तो इन पौधों का नाम बताया, इन पौधों का क्या उपयोग हो सकता है, ये भी हमने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की। अब अगर आगे चलते हैं तो और फिर यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट है और प्रशिक्षण केंद्र भी है एक छोटा सा, जिसमें जो है कई तरह की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है समय समय पर। ये है, ये इसको एक सामाजिक वानिकी वन व्रत भोपाल की ये रोपणी है। ये देखिए, यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं, किसी जब प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है तो प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये एक कक्ष है, बहुत ही जो है प्राकृतिक तरह का ये कक्ष है और ये पूरा रोपणी का दृश्य है। अलग अलग ये बोर्ड आप देख रहे हैं ना, इस पे ये बोर्ड है, इन बोर्डों पर जो है पौधों का नाम लिखा है और जो है उनकी उपयोगिता, उनके वैज्ञानिक नाम, मानव के लिए वो क्या उपयोग में लाए जा सकते हैं उसके बारे में लिखा है, जल संरक्षण के बारे में बताया गया है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम से अवगत कराया गया है, पुराणों में वृक्षों का महत्व इन बोर्डों पर बताया गया है। तो ये था अहमदपुर रोपणी का एक छोटा सा दृश्य, जिसमें सारी बातों को समेटने का प्रयास किया है। यही एक मेन गेट है जो मुख्य मार्ग से अंदर आने के बाद पड़ता है और इसी से रोपणी के अंदर प्रवेश किया जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, यहीं से रोपणी पूरी चालू होती है, रोपणी के अलग अलग कंपार्टमेंट चालू होते हैं। बहुत अच्छे बोर्ड यहाँ वन विभाग ने लगा रखे हैं और उन सभी बोर्डों पर बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई है, जो कि आम लोगों के जीवन से, आम जीवन से, रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है ये रोपणी है। तो साथियों, दोस्तों, नमस्कार। मेरा ये प्रयास आपको जैसा भी लगे, लेकिन आम लोगों से जुड़ा होने के नाते मैंने इसमें इतनी बातें की और रोपणी के अलग अलग पहलुओं से आपको अवगत कराने का प्रयास किया। क्योंकि आपके अपने शहर की रोपणी है तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जब तक जानकारी नहीं होगी हम इस रोपणी से जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ेंगे नहीं तो वनों से नहीं जुड़ पाएंगे। यदि जुड़ जाते हैं तो वनों से जुड़ेंगे, और स्वाभाविक है जब वनों से जुड़ेंगे तो वनों के संरक्षण की बात भी करेंगे, और यही भारत चाहता है, मध्य प्रदेश चाहता है, दुनिया चाहती है कि वनों की रक्षा हो, जलवायु वातावरण हमारा बेहतर हो। और ये तभी संभव होगा जब हम सारे लोग वनों से जुड़ेंगे, वनों की बात करेंगे, वनों को सहजेंगे, वनों को सुरक्षित रखेंगे और इसके प्रयास करेंगे। तो नमस्कार साथियों।